हमारा उर्वशी से मिलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, सिर्फ उर्वशी ही जानती है कि आपकी पैदा की हुई बच्ची आपकी अपनी बेटी इस समय कहां है। हां सर, उन्हें सिर्फ उर्वशी जानती है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप अमृत। अगर आज आपने हमें जाने नहीं दिया तो जिंदगी भर सलोनी अपनी बच्ची के लिए तड़पती रह जाएगी। वो कभी नहीं जान पाएगी कि उसकी असली बेटी कहां है। असली बेटी? ये आप क्या कह रही हो उर्वशी? जाइए, जाकर असलियत सलोनी से पता कीजिए। जिस अस्पताल में सलोनी ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उसी हॉस्पिटल की नर्स ने उस बेटी को किसी और परिवार को बेच दिया था। और सलोनी को यह बताया गया था कि उसे मरी हुई बेटी पैदा हुई है। लेकिन सलोनी की असली बेटी कहाँ है, कौन है, किसके पास है, ये सब बातें सिर्फ हम जानते हैं। मरने से पहले ये राज वो नर्स हमें बताकर गई थी। इसलिए आज की तारीख में राजदार सिर्फ हम हैं। सिर्फ हम जानते हैं कि सलोनी और नाहर की प्रेम की निशानी कहाँ है, किसके पास है और कौन है। मेरी बच्ची कहाँ है बेटी? मेरे हजार की निशानी कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है बेटी? यही तो जानने हम उर्वशी से मिलने आए थे सलोनी। हम क्षमा चाहते हैं कि हमने आपको ये सब पहले नहीं बताया। सोचा तो यही था कि बच्ची के पता चलने के बाद आपको सब कुछ बताएंगे। पता चलने से पहले नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम आपको अपनी बच्ची के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। तो इस बात का है कि हमारे ना चाहते हुए भी हमें आपको सब कुछ बताना पड़ा। कैसी होगी मेरी बच्ची? कहाँ होगी? दिखती कैसी होगी? बोलने लग गई होगी क्या अब तक? माँ कहाँ होगा उसने? और मैं उसकी माँ। उसके होठों से निकला पहला शब्द सुनने के लिए उसके पास नहीं हूं। उसकी पहली हंसी, उसके हाथों की हरकत, कुछ नहीं देख पाई मैं कुछ नहीं देख पाई। मेरी बच्ची, सलोनी ये क्या है? एक मजबूत औरत, त्याग, बलिदान, ममता, साहस की देवी और इतनी कमजोर, आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। डोंट बी सरप्राइज्ड। क्या हम यहां से जा रहे थे और हमने देख लिया था कि पेड़ के पीछे आप छुपी हुई हैं, और पता था कि अब यहां एक महाभारत छिड़ेगी, तरह तरह के इल्जाम लगाएंगी आप इस महान आत्मा पर, और मजबूरन इन्हें आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपनी गाड़ी वापस कर ली। इन आंखों में मोटे मोटे आंसू देखने के लिए क्या करें, बड़ी खुशी मिलती है ऐसे मौकों पर सलोनी, और इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते थे। उर्वशी, उर्वशी मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दो उर्वशी। क्या हो गया आज सबको? हाँ, हर कोई बेवकूफी की एक नई मिसाल कायम कर रहा है। क्यों लगता है तुम्हें सलोनी की इतनी आसानी से तुम्हारी बच्ची का पता हम तुम्हें दे देंगे? सॉरी, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि जहां भी है वो सही सलामत है, खुश है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी हमें इस बात की हो रही सलोनी की आज के बाद तुम कभी चैन से नहीं बैठ पाओगी। जहां भी रहोगी हर वक्त इन्हीं सवालों में घिरी रहोगी कि हमारी बच्ची कहाँ है कैसी दिखती है वो। जिंदगी भर इन सवालों से तुम जूझती रहोगी सलोनी। क्यों कर रही हो उर्वशी तुम ऐसा?
तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो उस मासूम को क्यों सजा दे रही हो? उससे उसकी माँ क्यों छीन रही हो तुम? गलत, बिल्कुल गलत। दुश्मनी तुम्हारी बच्ची से नहीं, तुम ही से निभा रहे हम। ये सजा तुम्हारे लिए है सलोनी। एक बच्ची से उसकी माँ नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारी बच्ची को अलग कर रहे हम। तुम्हें तड़पता देखना चाहते हैं हम, जिस तरह ऋषिश और आदित्य को अलग करके तुमने हमें तड़पाया है। पुलिस हमारे पीछे है सलोनी, वरना वार हम सामने से करते। एनीवे, सच तो यह है कि इस बार छुप कर वार करने में भी वही मजा है। जिंदगी भर तुम तड़पती रहोगी सलोनी, हर बच्चे में अपने बच्चे की शक्ल ढूंढोगी, हर हंसी में तुम्हें उसकी किलकारी सुनाई देगी, लेकिन तुम चाहकर भी उसको छू नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वो बच्ची तुम्हारी है या किसी और की। यही तुम्हारी सजा है। मन्नो भाभी सही कहती थी, आपको क्षमा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। तीर तो अब कमान से निकल चुका है स्वामी जी, अब क्या कर सकते हैं आप? अब आप तो बस सजा भुगतते रहिए। सलोनी, यू जस्ट कीप इन टच, ध्यान में रखना, वक्त बेवक्त जब मौका मिले फोन करते रहना, हालचाल लेते रहना हमारे। पता नहीं किस दिन हमारा मन पिघल जाए और तुम्हें तुम्हारी बच्ची की असलियत हम बता दें। टेक केयर एंड गुड बाय। ओ गॉड, इस अफरा तफरी में तुम्हारे लिए खास गिफ्ट लाए थे हम, वो तो तुम्हें देना ही भूल गए। वन सेकेंड, हाउ क्यूट, तुम्हारी बेटी की तस्वीर है, देखना नहीं चाहोगे? क्या हुआ, चेहरा नहीं दिख रहा है? मिटाना पड़ा, क्या करें? उर्वशी को अपने हर दुश्मन और खास तौर से तुम्हारा सम्मान करना आता है। अच्छी तरह से जानते हैं सलोनी कि तुम कितनी शातिर हो। एक बार अगर बच्चे का चेहरा दिख गया तो बाय हुक और बाय क्रुक हर हाल में तुम उसे हासिल कर लोगी, है ना? खैर, फिलहाल तो इस तस्वीर से काम चला लो, इसे अपने सीने से लगा कर रखो और गेस करती रहो कि तुम्हारी बेटी की शक्ल कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। एंड डोंट वरी, टाइम टू टाइम हम तुम्हें वक्त पे वक्त तुम्हारी बेटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहेंगे। फिलहाल इस तस्वीर से और दूध की इस बॉटल से काम चला लो, जिससे दूध पीकर तुम्हारी बेटी हर हाल में जिंदा है। गुड बाय। चलिए, अब इन सबको भी लोरी सुनाइए। अरे, इतनी सारी गुड़िया किस लिए नहार? आज तुम्हारी गोद भराई है ना, सब लोग अपनी अपनी ओर से गिफ्ट लाएंगे, तो बच्चे के होने वाले पापा कैसे पीछे रह सकते हैं? बेचारी अपने बच्चे को देखने का इंतजार कर रही है, उसे ये नहीं पता कि मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है उसने। सलोनी, तुम्हारी बच्ची जिंदा है।
नाहर, सलोनी कहाँ है? जी भाभा, वो सलोनी तो सुबह 5 बजे ही माता के मंदिर चली गई। मंदिर में सुबह की आरती में माता के दरबार में रहने का मन था उसका। अब तो आती होगी। अरे, इतनी सुबह सुबह क्यों चली गई वो? आज कोई त्योहार है क्या बाबू? कहीं आज अष्टमी तो नहीं है? नहीं नहीं, आज तो 11 है। सब्र करके बैठी थी मैं, समझा लिया था अपने आप को कि अब कभी अपने बच्चे से नहीं मिल पाऊंगी। फिर क्यों मेरी ये परीक्षा ले रही हो आप? एक तरफ तो मेरी ममता को फिर से मेरे बच्चे के लिए जगाया और दूसरी ओर उसे मुझसे छुपा दिया। ये उम्मीद की लौ भी तो आप ही ने जलाई है। आप मेरी जिंदगी में फिर से अंधेरा नहीं भर सकती, फिर एक बार एक माँ का दिल नहीं तोड़ सकती आप। आपको मुझे मेरे बच्चे से मिलाना होगा माँ, मेरे बच्चे से मुझे मिलाना होगा। बाबू, कल रात हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। सलोनी की हमारी बच्ची के बारे में पता चला है, वो सही सलामत है बाबू। क्या? और तू अब हमें बता रहा है? कहाँ है वो? कैसी है? तुम उसे घर क्यों नहीं लेके आए? दिखती कैसी है वो? अरे आप भी कैसी बातें पूछ रही हैं? नार बनना तो हमेशा से ये चाहते थे कि उन्हें लड़की हो, तो बस उन्हीं के जैसे दिखती होगी। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है सलोनी जैसी दिखती होगी वो बिल्कुल। काफी बड़ी हो गई होगी ना भाई साहब, कहाँ है? उसे कब लेके आएंगे? काश हम उसे लेकर आ पाते पिया। हमारी बच्चे की सही सलामत होने की खबर तो हमें मिली है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो है कहाँ। बस इतने में ही दिल को समझाना होगा कि वो जहाँ है सलामत है। हम चाहकर भी उसके पास नहीं पहुंच सकते, उसकी किलकारियां नहीं सुन सकते, उसके चेहरे को देख ये नहीं जान सकती कि वो नाहर जैसे दिखती है या मेरे जैसी। सलोनी, सलोनी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मेरी बच्ची कहाँ है ये सिर्फ उर्वशी जानती है, और वो हमें कभी नहीं बताएगी कि मेरी बच्ची कहाँ है। कल रात हम उर्वशी से मिले थे, उसने बताया कि उस नर्स ने मरने से पहले उसे बताया था कि बच्ची कहाँ है। नर्स ने मेरी बच्ची को किसी और परिवार को दे दिया है, किसे ये सिर्फ उर्वशी जानती है, लेकिन वो हमें बताएगी नहीं क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे के लिए तड़पता हुआ देखना चाहती है। मेरी ममता के आंसू उसके दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। उर्वशी ने एक बार फिर हमें दर्द देने का रास्ता ढूंढ लिया है। कब तक जीजी इस परिवार के साथ ही घिनौना खेल खेलती रहेगी? हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती वो? नहीं भाभी साहब, उर्वशी हमारी जिंदगी से दूर कभी नहीं जाएगी, और इस बार तो उसने ऐसा दुख दिया है जो बर्दाश्त के बाहर है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उससे अपने औलाद को गले लगाने का हक ही छीन लिया जाए। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा।
तुमसे अगर दुश्मनी ना होती ना सलोनी, तो इस वक्त तुम पर तरस आ रहा होता। अपनी जिस बच्ची को ढूंढती फिर रही हो, वो हर वक्त तुम्हारे आंखों के सामने ही रहेगी। लेकिन अफसोस, तुम कभी जान नहीं पाओगी, सिर्फ तड़पती रहोगी। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने आदित्य और ब्रजेश को हमसे अलग करके हमें तड़पाया। और जितना तुम तड़पोगी उतना ही हमें सुकून मिलेगा सलोनी। खेल तो अब शुरू हुआ है। क्यों बाबू, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों इतने दर्द है मेरी तकदीर में? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो ईश्वर मुझे ये सजा दे रहे? ईश्वर की शक्ति और उसके फैसलों पर संदेह नहीं किया करते सलोनी। कहते हैं वो अपने बच्चों को उतना ही दुख देता है जितना बर्दाश्त किया जा सके। जब ये दर्द बर्दाश्त की हदें पार करने लगता है तो उसे मिटाने का रास्ता भी वही दिखा देते हैं। अगर तेरी बच्ची का तुझसे मिलना बदा है तो आज नहीं तो कल वो तुझे जरूर मिलेगी सलोनी। भगवान यूं ही उम्मीद पैदा नहीं करते दिल में। इन दोनों बच्चियों को देख, ये भी तो तेरी बच्चियां हैं। इन्हें देखकर मुस्कुराना सीख, जीना सीख। तू इनका सहारा बनेगी तो ये तेरा सहारा बनेंगी। और इस सावरी को देख, इसे देख, इसका दर्द भी तेरे दर्द से अलग तो नहीं सलोनी। इसके पास इसकी मां नहीं है और तेरे पास तेरी बच्ची नहीं है। इसी में अपनी बच्ची को ढूंढ सलोनी। भगवान तेरी गोद में तेरी बच्ची को भी जरूर डालेंगे। बाबू, मेरी औलाद भी इतनी ही बड़ी होगी ना,